हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी बीइंग्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मिलेट की खिचड़ी। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा ग्लास मिलेट्स लिया है, लिटिल मिलेट जिसे हम समा का चावल भी बोलते हैं। इसी में मैंने थोड़ी सी मूंग दाल को मिलाकर इसको 2-3 घंटे के लिए भिगो लिया है। अपनी मनपसंद सब्जियाँ डाल सकते हो, आपके पास जो भी है, बीन्स, चाउचाओ, गोभी, मटर, जो भी है आपके पास सब डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने अपनी सब्जियों को ये कट कर लिया है। यहाँ मैंने चाव चाव और ये ड्रम स्टिक, ब्रोकली, टमाटर, अदरक, प्याज, लहसुन, थोड़े से करी पत्ता। हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कुकर में ये मैं यहाँ पर सरसों का थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। आप अपनी मनपसंद ऑयल ले सकते हो, आप जो यूज़ करते हो। और ये तेल गरम हो जाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा और राई डाल देंगे हींग के साथ। और फिर उसके भुनने के बाद हम प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट है जो, वो डाल देंगे और करी पत्ता भी इसके साथ में ही डाल देंगे। और इन्हें ब्राउन होने तक भून लेंगे प्याज को। और प्याज को बीच में चलाते हुए इस तरह से भून लें। और ये हमारा प्याज भुनकर तैयार हो गया है। प्याज भुन जाने के बाद आप इसमें टमाटर और जो भी सब्जी आपने काटी हैं अपनी मनपसंद, उनको ऐड कर दीजिए। मैंने यह सारी सब्जियों को ऐड कर दिया है। मैंने सिर्फ ब्रोकली है जो, उसको नहीं डाला है अभी, उसको मैं बाद में डालूंगी। अगर मैं अभी से डाल दूंगी तो ये ज़्यादा पक जाएगी, जिससे इसके पौष्टिक तत्व हैं जो वो कम हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको बाद में यूज़ करूंगी। और सब्जी के बाद मैं यहाँ पर ये मिलेट हैं जो भीगे हुए, उनको भी ऐड कर रही हूँ। इन चीज़ों को, सब्जी और मिलेट्स को अच्छे से मिक्स कर लें किसी भी चम्मच की हेल्प से। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद मैं थोड़े से मसालों का यूज़ करूँगी। इसके लिए मैं यहाँ थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, 1 छोटा चम्मच हल्दी डाला है मैंने, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है और थोड़ी सी मिर्च पाउडर डाला है। आप चाहो तो हरी मिर्च भी डाल सकते हो। सारे मसाले डालने के बाद आप एक बार इसको चमचे से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी मैं यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास पानी का यूज़ कर रही हूँ मिर्च में डालने के लिए। और ढक दीजिए। इसके बाद धीरे धीरे पकने दीजिए इसको। अगर आप कुकर को बंद करके बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए जितना मिनट लिया है, अगर आपने 1 कप मिनट लिया है तो 2 कप पानी लेकर के आप 2 से 3 सीटी लगाने तक उसको पका लीजिए। अगर आप मेरी तरह ओपन में बना रहे हो, कुकर को सीटी लगाकर नहीं बना रहे हो, तो आपको बीच बीच में इसको चलाना होगा, नहीं तो ये तलवे में लग जाते हैं बहुत जल्दी ही, चिपकने लगते हैं फिर। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला सकते हैं जब कम होने लगे तो। और फिर उबाल आने के बाद आप गैस को मीडियम करके फिर से पका सकते हैं ढक करके। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बीच बीच में हमें इसको चलाना है, नहीं तो ये चिपकने लगता है तलवे से, इसलिए आप बीच बीच में चलाते रहें। ऐसा नहीं है कि बंद करके रख दिया तो उसमें पानी भी कम हो सकता है, तो हमें पानी चेक करते रहना है और बीच बीच में उसको चलाते रहना है। और ये हमारी समा की चावल की खिचड़ी कुछ देर में पककर तैयार होने वाली है। इसमें हमें कम से कम 40-30 मिनट का समय लग जाता है पकते पकते। अगर आप पहली बार खा रहे हो मिलेट्स को तो अच्छे से ही पकाकर खाएं। अब यहाँ पर मैं ये ब्रोकली है जो काटा था मैंने, वो डाल रही हूँ। 3 से 4 मिनट के लिए इसे पका लूँगी, ज़्यादा नहीं पकाना था इसलिए मैं इसको लास्ट में डाल रही हूँ। और ये हमारी खिचड़ी यहाँ बनकर तैयार हो गई है। हमने गैस बंद कर दिया है और हम किसी भी बर्तन में इसको निकाल लेंगे जिसमें हमें खाना है।
और आप गरम गरम खिचड़ी खाइए और बताइए कैसा बना है। और इसमें हम ऊपर से चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। खिचड़ी के स्वाद को बढ़ाने के लिए ऊपर से थोड़ा घी डालिए और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दीजिए, जिससे खुशबू भी आएगी और स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। हैप्पी बींग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।